स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इंडक्टेंस कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स की बात की थी और वहां पर हमने एक रिलेशन निकाला था, दैट वाज अ रिलेशन बिटवीन द सेल्फ इंडक्टेंसेस ऑफ टू कॉइल्स एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। आज हम उसी आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं और इंडक्टेंस कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स की स्टडी करते हैं और इसमें हम स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ करंट एम्पलीट्यूड। तो अब मान लो कि हमारे पास ये दो कॉइल्स हैं। आपको पहले बताया था कि एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो मैंने कैलकुलेशन को सिमेट्रिकल बनाने के लिए ये मान लिया कि जो प्राइमरी है उसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो L1 है, जो सेकेंडरी है उसकी सेल्फ इंडक्टेंस L2 है और ये साथ में कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं C1 लेफ्ट हैंड साइड पे और C2 राइट हैंड साइड पे और इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो M है। और सपोज करो कि इसकी जो टर्न्स हैं प्राइमरी वाली की वो NP हैं, दूसरे की NS है और इसमें करंट I1 फ्लो करता है पहली वाली इस कॉइल में जो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास, और जो राइट हैंड साइड पे सर्किट है उसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। दीज टू कॉइल्स आर म्यूचुअली कपल्ड टुगेदर। कपल्ड का मतलब है कि एक दूसरे के साथ ये फ्लक्स शेयर कर रही हैं अपने आप। तो इसकी ही हम स्टडी करना चाहते हैं कि करंट एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करेगा, करंट एम्पलीट्यूड की वेरिएशन कैसे होगी इस केस में। तो उसके लिए आप मान लो कि हमारे पास जो करंट है, यदि पहले सर्किट में हम करंट देखें तो वो एक्सप्रेस किया जा सकता है क्योंकि साइनोसॉइडल करंट्स हैं दोनों में। हम पीछे बात कर चुके हैं कि ये जो इनकी वेरिएशन है वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हमने दो कपल्ड पेंडुलम्स की बात की थी। कपल्ड पेंडुलम सिस्टम में भी हमने देखा था कि वहाँ पर जो वेरिएशन थी वो साइनोसॉइडल थी, तो यहाँ भी जो करंट की वेरिएशन होगी वो साइनोसॉइडल होगी। इसलिए हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट आई वन यानी करंट इन द फर्स्ट कॉयल, इट इज़ फर्स्ट सर्किट रेदर, इट इज़ इक्वल टू आई नॉट वन इंटू ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी, वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर वन। फिर आई नॉट वन इज एम्पलीट्यूड या फिर पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि करंट बदल रहा है तो उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो इतनी है आई नॉट वन, आई के सब्सक्रिप्ट कर दिया हुआ 01। ऐसे ही हम यदि करंट इन दी सेकेंड सर्किट की बात करेंगे, सेकेंड सर्किट में वी विल गेट करंट आई टू, इट इज इक्वल टू आई नॉट टू into e raise power iota omega t, we call it as equation number 2, where I not 2, it is again the peak value of current in the second circuit. ये जो हमने darken करके बताया this. So अब यदि आप बात करेंगे जब current flow करता है तो आप याद करो कि induced EMF पैदा होती है, तो induced EMF फॉर्मूले के हिसाब से एल डी आई ओवर डी टी होती है। तो इसलिए जब यदि हम पहली कॉयल में देखेंगे तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी पैदा होगी, तो पहली कॉयल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी दैट विल बी माइनस एल वन इंटू डी आई वन ओवर डी टी। अब आई वन तो हमने इक्वेशन वन में लिया, तो इक्वेशन वन से आई वन की वैल्यू पुट करते हैं, तो देयरफॉर वी गेट इट इज इक्वल टू माइनस एल वन इंटू डी डी टी ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट्स आई नॉट वन इंटू ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी ब्रैकेट क्लोज्ड। और यदि आप ये डिफरेंशियल इस चीज़ का देखेंगे तो ये डिफरेंशियल ई द पावर आयोटा ओमेगा टी का आएगा क्योंकि आई नॉट वन जो है हमारा वो कांस्टेंट होता है, ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी और जब इसका
दूसरी टर्म का डिफरेंशियल देखेंगे तो ये आएगा आयोटा ओमेगा इंटू ई द पावर आयोटा ओमेगा टी, तो हमारे पास ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा एल वन इंटू ई नॉट वन इंटू सॉरी आई नॉट वन इंटू ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी। अब आप यदि ये चीज़ देखें अगेन फ्रॉम इक्वेशन वन, ये तो आई वन के बराबर है तो इसलिए हम इसको फर्दर लिख सकते हैं दिस इज माइनस आयोटा ओमेगा एल वन आई वन। तो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल ऑफ फर्स्ट सर्किट यानी एल वन। मैं पीछे दिखा देता हूँ आपको, ये जो एल वन है इस सर्किट इतनी इंडक्टेंस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई, यहाँ मेरा ये कर्सर, यहाँ मैं ऊपर नीचे करके दिखा रहा हूँ कर्सर को, उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुई वो इतनी हो गई माइनस आयोटा ओमेगा एल वन आई वन। और यदि मैं बात करूँ इसी कॉइल की तो होता क्या है कि जो ये कॉइल है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण भी होती है। अब करंट तो इस सर्किट में भी चल रहा है, इस सर्किट मतलब दूसरे वाला सर्किट जिसकी इंडक्टेंस L2 है और जिसकी कैपेसिटेंस C2 है, तो यदि करंट इसमें चल रहा है तो ये भी म्यूचुअल इंडक्शन के कारण दूसरी वाली कॉइल यानी L1 कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेगा। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ L1 में म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण कितनी होगी वो आपको पता है, फार्मूला एम डी आई ओवर डी टी होता है विद एन एक्टिव साइन। तो पर करंट किसका लेना पड़ता है, करंट लेना पड़ता है दूसरी कॉइल का, तो यानी कि दूसरी कॉइल में जो करंट था वो I2 था, तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ पहली कॉइल में जो पैदा हुई दूसरे के करंट की वेरिएशन के कारण वो कितना हुई, वो ये हुई इट इज माइनस एम इंटू डी टू आई ओवर डी टी। और आई टू हम ऊपर इक्वेशन टू से यूज कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया माइनस एम इंटू डी डी टी ऑफ आई नॉट टू इंटू ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी। और फिर यहाँ भी आई नॉट टू इज कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी तो इसलिए ये बाहर आ जाएगा आई नॉट टू, और ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी का जो डिफरेंशियल होता है वो आयोटा ओमेगा होता है, तो देयरफॉर वी गेट दिस टर्म टू बी इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा एम इंटू आई नॉट टू ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी। पर आई नॉट टू इंटू ई द पावर आयोटा ओमेगा टी फ्रॉम इक्वेशन टू देखेंगे तो ये कैपिटल आई टू के बराबर है, तो हमने यहाँ पर वो चीज़ वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन दो से, तो हमारे पास ये बराबर आ गया माइनस आई आयोटा ओमेगा एम आई टू, ये इक्वेशन फोर बन गई हमारी। तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है फर्स्ट कॉइल में वो कितनी हुई, एक ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गई ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये नीचे वाले हिस्से में ये हम दिखा रहे हैं कि ये है हमारी ये वाली चीज, ये एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गई और दूसरी इंड्यूस्ड ईएमएफ ये पैदा हो गई ये इक्वेशन फोर में। तो इक्वेशन थ्री और फोर से हमें ये पता चला कि हमारे पास टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी है। ये पहले सर्किट की बात कर रहे हैं, अब पहले सर्किट में तो कैपेसिटर भी लगा है, ये देखें दोबारा से वही सर्किट हम दिखाते हैं, ये देखिए कैपेसिटर सी वन लगा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो इसमें पैदा हो रही है और ड्रॉप किस में हो रहा है, वो हो रहा है इस कैपेसिटर में। और पोटेंशियल ड्रॉप आप याद करो फार्मूला होता है क्यू ओवर सी, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज क्यू ओवर सी। तो इस केस में क्यू ओवर सी वन आ जाएगा क्योंकि ये तो जनरल फार्मूला है, तो क्यू किसके बराबर आएगा, क्यू आप याद करो डी क्यू ओवर डी टी बराबर होता था आई, तो इसलिए डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी होता है।
तो इसलिए Q इज इंटीग्रल ऑफ I dt. तो इसीलिए हमने ये लिख दिया कि Q इज इक्वल टू इंटीग्रल I1 dt, क्योंकि पहले हम पहले सर्किट की बात कर रहे हैं, तो पहले सर्किट में जो करंट है वो I1 है, तो I1 into dt. And I1 you are knowing from our last equation, ये देखिए पिछले वाली ये थी I naught e raise power iota omega t, तो हमने ये equation वहाँ put कर देनी. तो ये Q क्या आ गया, Q is equal to integral I1 dt and this is equal to integral I01 e raise power iota omega t dt. I naught one constant है, ये बाहर आ गया integral से, तो इसीलिए हमारे पास ये आ गया इंटीग्रल e रेज पावर आयोटा ओमेगा t इंटू डी टी. और यदि आप इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आई नॉट वन डिवाइडेड बाय आयोटा ओमेगा इंटू e दी पावर आयोटा ओमेगा t. पर आप याद करो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस वन, इसीलिए वन ओवर आयोटा बराबर होगा माइनस आयोटा के. तो हमने ये चीज़ यहाँ पर पुट कर दी हुई है, क्योंकि 1 ओवर आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा. तो ये चीज पुट करके हमारे पास ये आ गया क्यू क्यू इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर ओमेगा ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी इंटू आई नॉट वन. वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 5. अब आप याद करो कि जितनी ईएमएफ होती है, ईएमएफ है मतलब जो जनरेट होती है, और जो ड्रॉप होता है वो लॉस होता है. तो हम इसलिए कह सकते हैं कि टोटल ईएमएफ मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप. और ड्रॉप कहाँ पे हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है कैपेसिटर में. इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ पैदा हो रही है, वो हो रही है पैदा इंडक्टर में. तो इंडक्टर में दो तरह की वोल्टेजेस पैदा हो रही हैं, पिछली इक्वेशंस 3 और 4 जो हम पीछे करके हटे हैं, तो ये वहाँ से आप देख सकते हैं. ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए ये इक्वेशन 3, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ थी ये वाली चीज, और एक ये वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ थी. जो 3 वाली इक्वेशन थी वो अपने करंट वेरिएशन के कारण थी, और ये जो दूसरी वाली इक्वेशन 4 है वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, करंट वेरिएशन के कारण हुई. तो हमारे पास ये बन गया माइनस आयोटा ओमेगा एल वन आई वन माइनस आयोटा ओमेगा एम आई टू एंड दिस इज इक्वल टू आयोटा इंटू वन ओवर ओमेगा सी आई वन. ये विद नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन मिस हो गया हुआ है, तो हम लगा लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ है. ये देखिए आप ऊपर से, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों टर्म्स जो हैं, ये दोनों टर्म्स हम राइट हैंड साइड की ओर ले जाकर एडजस्ट करते हैं. तो एडजस्ट करने पर हमारे पास क्या आया, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, ये नेगेटिव रह जाएगा, और इसको हम सेंटर में लिख देते हैं. तो हमारे पास ये आ गया आयोटा ओमेगा एल वन आई वन माइनस आयोटा इंटू वन ओवर ओमेगा सी वन इंटू आई वन प्लस आयोटा ओमेगा एम आई टू, इट इज इक्वल टू जीरो. वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 6. इफ वी प्रोसीड सिमिलरली इन सेम मैनर, यदि हम प्रोसीड करें तो उस केस में हम दूसरी कॉइल के लिए भी ऐसी ही इक्वेशन बना सकते हैं. फर्क क्या आएगा, यहां पर इक्वेशन 6 में 1-1 की जगह 2-2 की आइटम्स आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उस केस में हम ये दूसरी कॉइल की बात करेंगे जिसमें L2 इंडक्टेंस है और C2 कैपेसिटेंस है हमारे पास लगी हुई. तो हम इस केस में इसकी बात करेंगे. तो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये इक्वेशन 6 डिराइव की, सिमिलरली हम वोल्टेज इक्वेशन फॉर सेकेंड सर्किट लिख सकते हैं. इट विल बी आयोटा ओमेगा एल टू आई टू माइनस आयोटा इंटू वन ओवर ओमेगा सी टू इंटू आई टू प्लस आयोटा ओमेगा एम इंटू आई वन इज इक्वल टू जीरो. वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 7. अब हम क्या करते हैं, इसको सिमेट्रिकल बनाते हैं.
तो सिमेट्रिकल बनाने के लिए हम जो इक्वेशन 6 है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इस फैक्टर से। ये देखिए, ये है हमारे पास ओमेगा डिवाइडेड बाय आयोटा एल वन, और जो इक्वेशन 7 है ये वाली, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा डिवाइडेड बाय आयोटा एल टू। तो ये जब हम इसको सिमेट्रिकल हैं, एक जैसी बनेंगी, तो मैं एक ये आपको बताता हूँ कैसे है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर से, यानी ओमेगा डिवाइडेड बाय आयोटा एल वन से, ये नीचे जो डार्कन किया मैंने, तो उस केस में यहाँ क्या होगा, इक्वेशन में आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, एल वन कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आई वन यहाँ, और जब यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा कैंसिल हो गया, ओमेगा कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा यहाँ वन ओवर एल वन सी वन इंटू आई वन बन जाएगा, और यहाँ तीसरे टर्म में यदि ऐसे ही करेंगे तो आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया और ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और एम बटा एल वन बन जाएगा इंटू आई टू आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ अगले स्टेप में लिखा कि हमारे पास ये आ गया, ये देखिए ओमेगा स्क्वायर आई वन माइनस आई वन ओवर एल वन सी वन प्लस एम ओवर एल वन इंटू ओमेगा स्क्वायर आई टू इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल ऐसे ही यदि हम दूसरी इक्वेशन को देखेंगे, अगले वाली इससे इक्वेशन, तो वो हमारे पास आएगी ओमेगा स्क्वायर आई टू माइनस आई टू डिवाइडेड बाय एल टू सी टू प्लस एम ओवर एल टू इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आई वन इज इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं वन ओवर एल वन सी वन को ओमेगा वन स्क्वायर, ये हम पहले भी ऐसे कर चुके हैं, वन ओवर एल सी आपको पता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है, तो हमने कह दिया कि वन ओवर एल वन सी वन इज इक्वल टू ओमेगा वन है, एंड वन ओवर एल टू सी टू इट इज इक्वल टू ओमेगा टू स्क्वायर के बराबर है, फिर ओमेगा वन एंड ओमेगा टू आर द नेचुरल फ्रिक्वेंसीज ऑफ टू सर्किट्स रेस्पेक्टिवली। तो ये जब ऐसे ही हम ये वाली इक्वेशंस 8 में यूज करेंगे ये वैल्यूज को ओमेगा वन और ओमेगा टू के स्क्वायर्स को, तो हमारे पास जब यहाँ पर पुट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आई वन कॉमन आ जाएगा, ये वन ओवर एल वन सी वन को हम ओमेगा वन स्क्वायर पुट करेंगे तो आई वन कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, ये बनेगा ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा वन स्क्वायर इंटू आई वन प्लस एम ओवर एल वन इंटू ओमेगा स्क्वायर आई टू इज इक्वल टू जीरो। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम ये वाली इक्वेशन ये राइट हैंड साइड पे ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, ये ओमेगा वन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आई वन इट इज इक्वल टू एम ओवर एल वन स्क्वायर एल वन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आई टू। पर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ नेगेटिव आना था, कई बच्चों के दिमाग में आएगा यहाँ नेगेटिव आना चाहिए था, पर यदि आप ध्यान से देखें तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ओमेगा वन को पहले ले लिया हुआ है, ओमेगा को बाद में ले लिया हुआ है, यहाँ देखें ये चीज़ और यहाँ देखें ये चीज़, ये उल्टा कर दिया हुआ है, इसलिए नेगेटिव वो वाला इधर न्यूट्रलाइज हो गया, तो ये हमारी इक्वेशन 10 बन गई। ऐसे ही हम यदि इक्वेशन 9 से देखेंगे, इस इक्वेशन से यदि देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही 1 ओवर L2 C2 को हम ओमेगा 2 स्क्वायर पुट करके देखेंगे, तो हम देखेंगे ये आएगा ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ओमेगा 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू I2 माइनस M ओवर L2 इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू I1 इज इक्वल टू 0। या फिर अब इसको भी ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इट इज इक्वल टू एम ओवर एल टू इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आई टू। यहाँ पर ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ प्लस साइन था, ये गलती से लग गया, तो ये नेगेटिव की जगह प्लस है और कुछ नहीं है, तो हमने ठीक कर दिया इसको, क्योंकि ऊपर इक्वेशन देखें 9 से, तो 9 इक्वेशन से बिल्कुल रिजेम्बलिंग इक्वेशन ये बनेगी। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 10 और इक्वेशन नंबर 11। तो इनकी मदद से हम अपनी फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं। तो अब हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 10 एंड 11 दोनों को मल्टीप्लाई करो।
और फिर सॉल्व करो। ये देखिए पिछली वाली इक्वेशंस, तो हमने इन दोनों को ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया। ये राइट हैंड साइड वालों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड वालों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे दोनों और आई वन आई टू कट जाता है। और जब दोनों और आई वन आई टू कट जाता है तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आया ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा वन स्क्वेयर माइनस ओमेगा टू स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज्ड एंड देन अगेन ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा टू स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज्ड इट इज इक्वल टू एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एल वन एल टू इंटू ओमेगा रेज पावर फोर। ये आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। अब आप याद करो ये जो फैक्टर होता है ये आपने पढ़ा हुआ है आगे ऐसे, आप इस फैक्टर को के स्क्वेयर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि के याद करो कपलिंग कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये एम ओवर अंडर रूट ऑफ एल वन ओवर एल टू, ये एम ओवर अंडर रूट ऑफ एल वन एल टू, ये हमने पीछे पढ़ा इससे पिछले टॉपिक में। तो इसीलिए हमने ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो ऐसे लिख दी कि ओमेगा वन स्क्वेयर माइनस ओमेगा टू स्क्वेयर इन पैरेंथेसिस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा टू स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इन पैरेंथेसिस इज इक्वल टू के स्क्वेयर इंटू ओमेगा रेज पावर फोर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 12। अब इस इक्वेशन 12 को अदरवाइज सॉल्व करना मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए क्योंकि ओमेगा वन और ओमेगा टू हमें एग्जैक्टली अलग अलग वाइब्रेशंस के हिसाब से चलेंगी। तो हम इसको आसान करने के लिए अजम्पशन करते हैं कि मान लो कि दो जो हमारे सर्किट्स हैं उन दोनों में जो फ्रिक्वेंसीज हैं ओमेगा वन और ओमेगा टू वो बराबर हैं और वो ओमेगा नॉट के बराबर हैं। ये अजम्पशन करी हमने। तो इसीलिए जो हमारी इक्वेशन 12 है, ये वाली इक्वेशन, ये ऊपर वाली, ये इसमें हम ओमेगा नॉट पुट कर देंगे ओमेगा वन को भी और ओमेगा टू को भी। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इन पेरेंथेसिस मल्टीप्लाइड बाय अगेन ओमेगा नॉट स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इन पेरेंथेसिस इट इज इक्वल टू के स्क्वेयर इंटू ओमेगा रेज पावर फोर। या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर ये बन गया ओमेगा नॉट स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इन पेरेंथेसिस इसका होल स्क्वेयर इट इज इक्वल टू के स्क्वेयर ओमेगा रेज पावर फोर। तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑफ बोथ साइड्स तो वी गेट ओमेगा नॉट स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इट्स इक्वल टू प्लस माइनस के इंटू ओमेगा स्क्वेयर। तो ये चीज हमारे पास आ गई। पर यदि आप यहां से देखें ना तो ये दो स्क्वेयर्स और यहां पर ओमेगा स्क्वेयर इसका ये फ्रीक्वेंसीज हैं सारी की सारी, फ्रीक्वेंसीज का रिलेशन है, पर फ्रीक्वेंसीज नेगेटिव तो कभी होती नहीं। यदि फ्रीक्वेंसीज नेगेटिव नहीं है तो यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। तो नेगेटिव साइन का मतलब ये नेगेटिव वाला हिस्सा तो होना ही नहीं चाहिए, ओनली पॉजिटिव थिंग शुड बी देयर। तो तभी हमने कहा आगे कि यदि हम बात करें तो ये देखिए ओमेगा स्क्वेयर प्लस माइनस के ओमेगा स्क्वेयर इट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वेयर। तो हमने पहले तो एक स्टेप और किया, ओमेगा स्क्वेयर वाली टर्म्स अलग कर ली, या फिर वन प्लस माइनस के ब्रैकेट्स में इंटू ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वेयर। सो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय वन प्लस के। अब मैंने पहले ही बताया कि फ्रीक्वेंसीज तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसीलिए हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी यदि नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसलिए प्लस साइन आना चाहिए। तो देयरफॉर टेकिंग ओनली द पॉजिटिव साइन वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वन प्लस और माइनस के। अब इसका मतलब दो वैल्यूज आ गई ओमेगा की, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। प्लस के लिए वाली को हम ओमेगा डैश ले लेते हैं और माइनस वाली फ्रिक्वेंसी को हम ओमेगा डबल डैश ले लेते हैं। तो देयरफॉर इसकी जगह हमने दो टर्म्स लिख दी, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, दैट इज ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ओवर अंडर रूट ऑफ वन प्लस के। Call it equation 13.
एंड ओमेगा डबल डैश इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ओवर अंडर रूट ऑफ वन माइनस के, कॉल इट इक्वेशन 14। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो दो आई हैं, दो फ्रीक्वेंसीज हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है, करंट एम्पलीट्यूड, वो मैक्सिमम आएगा। ये मतलब है इन इक्वेशंस 13 और 14 का। तो इसीलिए हमने, जब हमने ग्राफ बनाना है तो हम वहाँ देखेंगे हमारे पास दो पीक्स आएंगी। तो यहाँ पर हम स्पेशल केसेस करते हैं। स्पेशल केस, केस वन में हम लेते हैं यदि हमारे पास लूज कपलिंग है। आप याद करो कपलिंग कांस्टेंट के बारे में। तो यदि हमारे पास लूज कपलिंग है तो उस केस में कपलिंग कांस्टेंट के एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एम आर वेरी स्मॉल। सो इसलिए जो हमारी इक्वेशंस 13 और 14 है पीछे, ये देखिए, ये इसमें के नेग्लिजिबल हो जाएगा दोनों में, ये इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी, मतलब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी के नेग्लिजिबल। तो ये ओमेगा डैश भी ओमेगा नॉट के बराबर और ओमेगा डबल डैश भी ओमेगा नॉट के बराबर आई। तो इसलिए हम ये लिख कह सकते हैं, सो देयरफॉर ओमेगा डैश इज अप्रॉक्सीमेटली ओमेगा डबल डैश, कॉल इट एज ओमेगा नॉट। सो दैट इज बोथ सिस्टम्स बिहेव ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली, अलग अलग इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वहां पर पेंडुलम्स के केस में करते थे। दूसरा केस हमारा आता है फॉर टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग का मतलब कि जब कपलिंग कांस्टेंट के और म्यूचुअल इंडक्टेंस एम ये लार्ज होती है, तो उस केस में जो ओमेगा डबल डैश है, माइनस ओमेगा डैश है, ये वाली चीज ये इंक्रीज करती है एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट दीज आर डिस्प्लेस्ड। तो इसमें आपको करके दिखा देते हैं। देखो, आप देखो ओमेगा डबल डैश किसके बराबर था और ओमेगा डैश किसके बराबर था, आप वैल्यूज पुट करो इक्वेशन 13 और 14 से। तो आप देखेंगे ओमेगा डबल डैश माइनस ओमेगा डैश, तो आपने वैल्यूज पुट कर दी, ओमेगा डबल डैश था ओमेगा नॉट ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के और ओमेगा डैश था ओमेगा नॉट ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अगले स्टेप में ऐसे लिख लेते हैं, ओमेगा डबल डैश माइनस ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, कॉमन आ गया। तो जो ये वाला नीचे वाला हिस्सा था, ये वाला ऐसे, ये इस हिस्से को आप लिख सकते हैं 1 माइनस के रेज पावर माइनस 1, ये जैसे लिख लिया। और जो दूसरा हिस्सा था ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के, इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस के रेज पावर माइनस 1 ओवर 2। अब यहां पर क्योंकि जो हमारे पास वैल्यूज हैं ये 1 प्लस के और 1 माइनस के, हम यहां पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप याद करो के इज ऑलवेज लेस देन 1। तो यहां पर यदि हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा डबल डैश माइनस ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू 1 माइनस 1 ओवर 2 इनटू के माइनस ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 माइनस 1 ओवर 2 इनटू के। और आप यदि इस ब्रैकेट के हिस्से को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 1 कट जाएंगे और 1 ओवर 2 और 1 ओवर 2 के एटसेट्रा दीज विल बी एडेड अप, ये एड अप हो जाएंगे। तो यहां ये पिछले तरफ से देखो, ये माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा और ये माइनस माइनस ये ऐसे बनेगा। ये देखिए, ये यहां पर ये प्लस आना था, ये प्लस, और ये आना था 1 ओवर 2 आगे आ गया, तो माइनस माइनस ये कट गए और ये माइनस माइनस प्लस होके ये इस ढंग से आएगा ओमेगा नॉट के, जब आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये शो करता है, दिस शोज दैट द वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट के इंक्रीजेस विद डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ओमेगा डबल डैश माइनस ओमेगा डैश, तो ऑल्सो इंक्रीजेज एज शोन। ये हम दिखाई रहे हैं, ये देखिए, या इधर को करंट एम्पलीट्यूड ले लो, इधर को ओमेगा ले लो, तो आप देख रहे हैं कि जो ग्राफ था पहले, ये एक ग्राफ ऐसा आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, फिर ये कैसे ग्राफ दिखाया हुआ है, हमने तीन ग्राफ दिखाए ए बी सी। जो ए ग्राफ है वो तब है जब के की वैल्यू लार्ज है,
बी ग्राफ तब आता है जब के की वैल्यू इंटरमीडिएट, ना ज्यादा ना कम, तो हमें देख रहे हैं ना दो पीक्स आ रही हैं यहाँ पे। और सी वाला ग्राफ तब आता है जब के की वैल्यू स्मॉल होती है। तो ये हम बताना चाहते थे करंट एम्पलीट्यूड की वेरिएशन ओमेगा के साथ कैसे होती है। और यही आपका ये जो टॉपिक था, दिस वॉज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम द कपल्ड पेंडुलम, एंड विद दिस द टॉपिक ऑफ कपल्ड पेंडुलम इज कंप्लीटेड। एंड आई होप ऑल माय स्टूडेंट्स माइट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स एज वेल। और इसको आप अच्छी तरह से करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो विद दिस वी फिनिश दिस टॉपिक, टू मीट यू नेक्स्ट टाइम। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट।